कर रहा है, एसी में बैठा हुआ है। ओए मुझे भी कटिंग करनी है आपने, हैं। पानी में हम थोड़ा सा इसको डिसोल्व करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कर लें बेशक। इससे क्या होगा, अगर आपकी कैट खाती है ना और आपकी कैट, ओए नहीं नहीं लड़ना नहीं है, मेरे सामने नहीं लड़ना। आप लोग सारे पूछ रहे थे कि यार ये पुष्पा और जेरी कहाँ पे हैं, ये तो आजकल जो है ना इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, पता नहीं क्यों ये नाराज़ हुए हैं एक दूसरे से। और आज की वीडियो में आप लोगों को स्पेशल बनाना सिखाऊंगा एक ऐसा ड्रिंक कैट्स के लिए जो कैट्स बिल्कुल पानी नहीं पीती गर्मियों के अंदर, वो पियेंगी और शौक से पियेंगी। और आपकी कैट्स, ओए नहीं नहीं लड़ना नहीं है, मेरे सामने नहीं लड़ना। और आपकी कैट्स जो है ना वो हाइड्रेटेड रहेंगी और आपको दुआएं भी देंगी। और हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कैट्स को हेल्दी रखने के लिए समर्स के अंदर। उसी की वजह से अगर ज़्यादा डीहाइड्रेशन होगी तो चलो आप दोनों नीचे जाओ। अगर ज़्यादा डीहाइड्रेशन होगी तो आपकी कैट के फर भी ज़्यादा रिलीज़ होंगे, ज़्यादा उतरेंगे, शेडिंग करेंगे, उसके अलावा हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन होगी। अब काफ़ी सारे लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि यार आप लोगों ने जेड की कटिंग क्यों करा दी, इतना प्यारा तो था। प्यारा तो खैर अब भी लग रहा है। कटिंग इस वजह से कराई है कि बाल बहुत ज़्यादा उतरते हैं कैट्स के, और एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जब कैट्स हों तो बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया उसके बाद से, और अब फुल इंजॉय कर रहा है, एसी में बैठा हुआ है। ओए मुझे भी काटिंग करनी है आपने, हैं। पुष्पा के साथ लड़ाई करके आया और मुझे भी काटियाँ कर रहा है। मैंने आपको क्या कहा है, मेरे साथ तो खेलते हो ना आप, मैंने आपको क्या कहा है। ये बेसिकली जो मैं आपको ड्रिंक बनाना सिखा रहा हूँ, इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें आपको चाहिए। कोई भी क्रीमी ट्रीट ले लें, और इसके अलावा आपने साफ़ सुथरा जो है ना वो ज़्यादा ठंडा पानी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल सा पानी आप लोगों ने ले लेना है। अब ये जो चीज़ है ना स्पेसिफिकली मैं पहले ही बता दूँ उन कैट्स के लिए है जो कि गर्मियों में बिल्कुल भी पानी नहीं पीती, या सिर्फ ड्राई फ्रूट खाती हैं, पानी बहुत कम पीती हैं। क्योंकि अगर आप लोग ड्राई फ्रूट ही सिर्फ खिलाएंगे, होममेड नहीं खिलाएंगे, मॉइस्चर नहीं जाएगा कैट के अंदर, तो कैट डिहाइड्रेटेड होगी, गर्मी में बाल गिरेंगे और बहुत सारे मसले मसाइल कैट के साथ होते हैं। तो ये एक छोटी सी हैक है। अब कोई भी आप क्रीमी ट्रीट लेते हैं, आपकी कैट शौक से खाती है, उसको आप सिंपली अब क्या करेंगे, उसको सिंपली हम लोग जो है सारा तरीका मैं बताऊँगा और कितने दिनों तक पिलाना वो भी बताऊँगा। सिंपली जो है ना हम उसको पानी में थोड़ा सा ना, ये देखें आप, पानी में हम थोड़ा सा उसको डिसोल्व करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कर लें बेशक। इससे क्या होगा, अगर आपकी कैट खाती है ना, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इससे पहले ये कर दें सारा, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी सिंपली मैंने ट्रीट को जो है ना पानी के अंदर ऐड कर दी, और ये जो भी पानी नहीं पी रहा था ना शौक से, अब ये पानी पी रहा है। और पुष्पा को भी अभी हमने पिलाया था, और कुछ कैट्स में हमने ट्राई कराया। हर कैट लाजमी नहीं है कि वो पानी पिएगी ये वाला, लेकिन मोस्टली कैट जो है ना वो ये पानी पिएंगी। अब ये नहीं है कि आपने डेली बेसिस पे ही ऐसा करना है, आपकी अगर कैट नहीं पानी पीती ना तो आप उसको 2-3 दिन 4 दिन इस तरह से करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रीट की क्वांटिटी कम करते जाएं और पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। इस तरह होपफुली कि आपकी कैट जो है ना वो पानी पे भी स्विच कर जाएगी, प्रॉपर डेली बेसिस पे पानी पिया करेगी, उसका दिल किया करेगा पानी पीने को। लेकिन अगर आपकी कैट बिल्कुल भी पानी नहीं पी रही, फिर आप बेशक डेली बेसिस पे थोड़ा सा अगर ये करके ना उसके बाउल में अगर ये डाल देते हैं, और तकरीबन यहाँ से 12 आवर्स तक ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। 12 आवर्स बाद जो है ना वो आप इसको चेंज कर लें, या 8 आवर्स बाद आप इसको चेंज कर लेंगे, तो आपकी कैट्स जो है ना वो इसको कंज्यूम भी कर लेगी काफ़ी हद तक। जो बच जाएगा आप उसको डिस्कार्ड कर दें, नया बना लें, और काफ़ी ये चीप भी रहेगा आपके लिए, और आपकी कैट जो है ना वो हाइड्रेटेड भी रहेंगी। और अगर आप लोग सिर्फ अपनी कैट को ड्राई फूड दे रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी कैट को वेट फूड लाजमी दें। अब वेट फूड के अंदर आप लोग घर में चिकन दे सकते हैं, उसको यखनी दे सकते हैं। अगर वो ये सारा कुछ करे तो फिर उसको ये देने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंपली पानी रख दें। उसको होम मेड डाइट बना के दे सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी डाइट्स बनाने सिखाई हुई हैं, यहाँ पर कहीं पर उसका पॉपअप भी हो रहा होगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और आप लोग मेबल जो है उस जो टाइम पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन वेट फूड जा रहा है, और वेट फूड की कैटेगरी के अंदर नंबर 1 भी है और वाहिद भी है, जो कि इस टाइम जो है ना सबसे अच्छा, जिसके रिजल्ट्स भी हैं और कैट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइक भी कर रही हैं और गर्मियों के अंदर खा भी रही हैं, जिनकी वजह से उनकी जो सेहत है वो अच्छी है। जो कि आपके सामने ये पुष्पा बैठा हुआ है जो डेली खाता है, और ये गर्मियों में भी जो है ना पतला नहीं हो रहा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो लाजमी वीडियो को लाइक करें, अगर ज़्यादा लाइक करेंगे ना फिर हम इन दोनों की सुलह जो है ना वो दोबारा से करवाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अगर दो कैट आपस में लड़ना शुरू हो जाए तो उनकी सुलह कराई जाती है ना। और लड़ना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। और मुझे नहीं काटी करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।